विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, तदनुसार बुधवार 29 जुलाई 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। अनलॉक 3 में खुल सकते हैं सिनेमा हॉल व जिम, हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी। केंद्र सरकार 31 जुलाई से पहले जारी कर देगी गाइडलाइन। हालांकि स्कूल कॉलेज अभी बंद ही रखे जा सकते हैं, कुछ राज्यों में स्कूल खुल गए हैं लेकिन अभी सिर्फ स्टाफ के लिए ही आना होगा अनिवार्य, बच्चों को नहीं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन ड्यूटी पर तो कौन है एब्सेंट, GPS की मदद से लाइव देखेंगे अधिकारी। जिन संचालिकाओं के पास स्मार्टफोन है उन्होंने यह कार्य करना कर दिया है शुरू, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन्हें यह फोन उपलब्ध करवाए जाने का काम किया जाएगा। राफेल आने से पहले अंबाला एयरफोर्स के आसपास धारा 144 लागू। जारी किए गए आदेशों के तहत एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक लगते स्थानों धूलकोट, बलदेवनगर, गरनाला व पंजोखरा इत्यादि स्थानों से एयरफोर्स स्टेशन की किसी भी प्रकार की फोटो लेने पर लगाया गया है प्रतिबंध। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने कल चंडीगढ़ में उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी 2020 को लेकर किया मंथन, युवाओं को मिलेगा रोजगार। हरियाणा में 11 साल बाद होगी 8वीं की बोर्ड परीक्षा, तैयारियों में जुटा हरियाणा बोर्ड। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा इस शैक्षणिक सत्र 2020-21 से 8वीं की बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी आयोजित। शिक्षा बोर्ड द्वारा 8वीं बोर्ड परीक्षा अंतिम बार वर्ष 2010 में करवाई गई थी संचालित। हरियाणा में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 400 पार, 749 मिले नए केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 32,876 पहुंचा, साथ ही अब रिकवरी रेट पहुंचा 78.35% पर। प्राइवेट स्कूलों में फीस वसूली पर हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा सरकार लेगी एडवोकेट जनरल से राय। शिक्षा मंत्री ने कहा, ट्यूशन फीस की पहले से दी मंजूरी, दूसरे खर्चों की वसूली पर सरकार नहीं है सहमत। कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शीघ्र होने वाली है शुरू, दाखिले की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, विद्यार्थी अपने सभी कागजात रखे तैयार। दाखिला लेने के इच्छुक छात्र अपनी 12वीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक का खाता नंबर, IFSC कोड वाली पासबुक व पासपोर्ट साइज फोटो को रखे तैयार। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पड़ेगी इनकी आवश्यकता। उतार चढ़ाव भरे मौसम के बीच मानसून दिल्ली NCR के लोगों पर एक बार फिर मेहरबान। बुधवार से दिल्ली NCR में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर होगा शुरू। बारिश का यह दौर अगले 2 दिन चलेगा, कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली NCR सहित हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पूर्वी राजस्थान में भी होगी अच्छी बारिश। देश में COVID-19 के मामले 15 लाख के पार, एक महीने में 10 लाख केस बढ़े। अब हर 10 लाख की आबादी पर 12,553 टेस्ट, इनमें से 1,082 पॉजिटिव और 24 की हो रही है मौत। भारत दुनिया का अब 6वां देश जहां संक्रमण के चलते सबसे ज्यादा जाने गई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बुधवार को अंबाला में राफेल को करेंगे रिसीव। सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि राफेल UAE के अल दफरा एयरवेज से सुबह करीब 11 बजे भरेगा उड़ान और दोपहर 2 बजे पहुंचेगा अंबाला। बता दें कि फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच सोमवार को भारत के लिए हुआ था रवाना। लद्दाख में भारत चीन तनाव, चीन का दावा ज्यादातर इलाकों से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे हटी। वहीं भारत बोला यह बयान सही नहीं। चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया, गलवान, गोगरा व हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। राजस्थान में पायलट वर्सेज गहलोत से शुरू हुई सियासी उठापटक, अब गहलोत वर्सेज राज्यपाल ज्यादा हो गई है। गहलोत सरकार 31 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाने पर अड़ी। राज्यपाल की आपत्तियों के जवाब के साथ तीसरी बार सरकार ने भेजी अर्जी, अब राजभवन के जवाब का है इंतजार। फ्लोरिडा में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा संक्रमित मिले और 186 लोगों की जान गई। दुनिया में अब तक 1,66,00,000 मरीज, दुनिया भर में अब तक 6,57,000 की हुई मौत, 1,02,00,000 लोग ठीक भी हुए। अमेरिका में 44,00,000 से ज्यादा मरीज, अब तक 1,50,000 लोगों की मौत।
रेवाड़ी कोविड 19 न्यूज अपडेट। रेवाड़ी में कोरोना का कहर जारी, प्रतिदिन 100 से ज्यादा लिए जा रहे हैं सैंपल, जिसमें 30 से ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोविड सेंटर रेवाड़ी में किया जा रहा है स्थानांतरित। शहर में कोविड 19 को नियंत्रित करने के लिए शहरी चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार व उनकी टीम द्वारा किए जा रहे हैं सफल प्रयास, लगातार 1000 से ज्यादा किए जा रहे हैं रैपिड टेस्ट। दहशत में चीन की जिनपिंग सरकार। दरअसल चीन के थिंक टैंक का दावा कि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने शंघाई से महज 76 किलोमीटर दूर भरी उड़ान, 19 साल बाद चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा। दरअसल अमेरिका फाइटर जेट्स बेहद घातक है। इसके घातक होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह न केवल सर्विलांस करता है, बल्कि रात या दिन किसी भी वक्त अपनी सोनार पावर से समुद्र में दुश्मन की सबमरीन को खोज निकालने के बाद उन्हें चंद सेकंड में तबाह करने की रखता है ताकत। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप और बिडेन के बीच 29 सितंबर को होगी पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट, दूसरी 15 और तीसरी 22 अक्टूबर को होगी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के 44 दिन बाद मामले में आया नया मोड़। अभिनेता के पिता के सिंह ने उनके गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में दर्ज कराई FIR। सुशांत के पिता का आरोप, मेरे बेटे को डर था कि रिया उसे उनकी मैनेजर दिशा सलीम सुसाइड केस में न फंसा दे। इतना ही नहीं, सिंह ने एक्ट्रेस पर सुशांत के अकाउंट से 17 करोड़ रुपए निकालने, उन्हें डराने धमकाने और आर्थिक इस्तेमाल के लिए बंधक बनाने जैसे कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। कोरोना काल में फिल्म इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर। बीते जमाने की दिग्गज अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की उम्र में निधन। उन्होंने प्यासा, CID, मदर इंडिया व आर पार जैसी कई मशहूर हिंदी फिल्मों में किया था काम। वे लंबे समय से चल रही थी बीमार। करीब 20 साल के अपने कैरियर में कुमकुम ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने 50 से 60 के दशक के दौरान सबसे ज्यादा फिल्में की। इस दौरान गुरुदत्त, किशोर कुमार, दिलीप कुमार व देवानंद समेत कई बड़े सितारों के साथ काम किया। ICC वनडे रैंकिंग जारी। कोहली पहले और रोहित दूसरे स्थान पर बरकरार। टॉप 20 बल्लेबाजों में सिर्फ 3 भारतीय। गेंदबाजों में बुमराह दूसरे स्थान पर, विराट रोहित के बाद टॉप 20 रैंकिंग में सिर्फ शिखर धवन 17वें नंबर पर बरकरार। ऑलराउंडर रैंकिंग में रविंद्र जडेजा एक पायदान नीचे खिसक कर 8वें नंबर पर पहुंचे। इंग्लैंड वेस्टइंडीज तीसरा टेस्ट मैच। इंग्लिश टीम 269 रन से जीती मैच, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। इंग्लैंड 6 साल से घर में नहीं आ रहा टेस्ट सीरीज। ब्रॉड ने मैच में लिए 10 विकेट। पहली पारी में इंग्लैंड टीम ने 369 रन बनाए तो वहीं वेस्टइंडीज 197 रन ही बना सकी। स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 विकेट लिए। दूसरी पारी इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 226 रन पर की घोषित तो वहीं 399 रन के टारगेट के जवाब में वेस्टइंडीज टीम 129 रन पर हुई ऑल आउट। पीएम मोदी बुधवार को टॉप बैंकों के चीफ के साथ करेंगे बैठक। देश की इकोनॉमी, कैश फ्लो और लोन समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री बैंक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संबोधित। वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी लेंगे हिस्सा। सोने की कीमतें 362 रुपए घटकर 51,739 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची तो वहीं चांदी 2289 रुपए घटकर 63,239 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। सप्ताह में कारोबार के दूसरे दिन BSE 558 अंक और निफ्टी 168 पॉइंट ऊपर हुआ बंद। SBI कार्ड और IRCTC ने लॉन्च किया रुपए क्रेडिट कार्ड। रेल टिकट बुकिंग पर 10% मिलेगा वैल्यू बैक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया नया रुपए क्रेडिट कार्ड। ई कॉमर्स साइट से खरीदारी पर भी मिलेगी विशेष छूट। अब बात आज के इतिहास की। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी 29 जुलाई 1748 में भारत पहुंची। प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन 29 जुलाई 1891 को हुआ था। आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में से एक GRD टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 में हुआ। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर 29 जुलाई 1949 में प्रसारण शुरू हुआ। भक्ति और गजल गायक अनूप जलोटा का जन्म 29 जुलाई 1953 को नैनीताल उत्तराखंड में हुआ था। भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन 29 जुलाई 2003 को हुआ था। श्रीलंकाई बल्लेबाज माहिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने आज ही के दिन 2006 में 624 रनों की भागीदारी का टेस्ट क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बनाया। और अंत में जयपुर की महारानी गायत्री देवी का निधन 29 जुलाई 2009 को हुआ था।